खबर कोटा से है, जहां एक पुलिस कांस्टेबल की ईमानदारी लोगों में चर्चाओं का विषय बन गई। दरअसल महावीर नगर थाने में तैनात पुलिस कांस्टेबल महेश कुमार अपने घर से ड्यूटी के लिए जा रहा था और तभी रास्ते में उसे एक पर्स मिला। इस पर्स में 11,500 रुपए रखे हुए थे। इसके बाद कांस्टेबल महेश ने पर्स में मिली आईडी के आधार पर मालिक की जानकारी जुटाई और पर्स मालिक साबिर हुसैन को उसकी अमानत वापस लौटा दी। वहीं मामले की जानकारी लगने पर पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने पुलिस कांस्टेबल को रिवॉर्ड देने की घोषणा कर दी। तो बाइक लेके आ रहा था घर से, तो अपने गोदावरी धाम के सामने पर्स बिखरा पड़ा था। बाइक से था मैं, स्पीड से था तो आगे निकल गया पहले, तो फिर गाड़ी घुमाई वापस और देखा तो बिखरे सारे बिखरे पड़े थे। पैसे सारे पैसे कलेक्ट करके उसमें आईडी वगैरह चेक करी, साबिर हुसैन नाम से आईडी थी। आसपास देखा सुनसान रोड था, कोई दिखा नहीं। पैसे सारे उठा के, पर्स उठा के सीधा ड्यूटी के लिए लेट हो रहा था, तो थाने पे आ गया। थाने पे आके और रामस्वरूप जैसाई साहब है अपने सेकंड ऑफिसर, उनको बताया वैसे से। इन्होंने फिर कंट्रोल को बताया और थाने वाले को सबको बताया स्टाफ। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।